इस पुलिस वाले दी शकल देख के तुहाडा गुस्सा सतवें आसमान ते जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि इसने हरकत ही अजिही कीती है कि तुहाडा खून खौल उठेगा। इस पुलिस वाले दी शर्मनाक करतूत जदों सामने आई तो लोगों के विच नाराजगी सामने आ गई। लोगों ने जम के सोशल मीडिया से इसकी क्लास लगा दी। यूपी के गाजियाबाद की एक वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है, जिस विच एक इंस्पैक्टर एक ई रिक्शा चालक नाल दुर्व्यवहार कर रहा है। जो तस्वीर तुसी देख रहे हो, ई रिक्शा चालक नौजवान नू बाला तो कड़ीस है। तस्वीर थोड़ा थानू झंझोड़ के रख देनगियां, इस करके इन्हों ज़्यादा नहीं दिखाया जा सकता। तुम दस दिए कि नौजवान वाला तो घड़ीस के सड़क के विचकार वो लै जा रहा है, नौजवान रौला पा रहा है, पर इंस्पैक्टर जो है उससे कोई असर नहीं हो रहा। इंस्पैक्टर की इस कार्रवाई से सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है। जानकारी मुताबिक इंस्पैक्टर का नाम भानु प्रकाश है। इस ही ई रिक्शा चालक का नाम सुहेल दसा जा रहा है। वीडियो साफ देखा जा सकता है कि किमें इंस्पैक्टर भानु प्रकाश जो ई रिक्शा चला रहा है उसकी कुटमार करता है। जो हाँ अपनी रोजी रोटी कमाने वाले सोहेल की कुटमार कर रहा है, सोहेल वाला तो खिंच रहा है, जबकि सोहेल उसको छड़न के लिए बेनती भी कर रहा है, चीख रहा है, पर इंस्पैक्टर से कोई असर नहीं हो रहा। घटना की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल होने बाद लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। ई रिक्शा चालक की कुटमार करने वाले पुलिस मुलाजम खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस तो बाद स्थानक पुलिस अधिकारियों ने इस वीडियो का नोटिस लिया। नाल ही ट्वीट करके मामले की जांच ACP वेव सिटी को सौंपने की जानकारी दी। उधर ही गल करने लिए इंस्पैक्टर भानु प्रकाश की तो और दसाया जा रहा है कि उन्होंने कुछ होर वीडियोज़ भी वायरल हुई सी, जिस विच वह फिर तो ऑटो रिक्शा वाले नाल बहस करता हुआ नज़र आ रहा है। इंस्पैक्टर भानु प्रकाश की गल करिए तो पिछले कुछ महीनों तो वेव सिटी थाने की पोस्ट से उतैनात से दसाया जा रहा है कि सड़क पर ई रिक्शा पार्किंग को लैके बहस हुई सी, जिस तो बाद इंस्पैक्टर अपना आपा खो बैठा। ACP वेव सिटी पूनम मिश्रा ने एक चैनल को दसाया कि इस इंस्पैक्टर वालों ई रिक्शा चालक को कुटन का वीडियो सामने है, जिसकी जांच उन्होंने सौंप दी गई है, पूछताछ की जा रही है। इंस्पैक्टर और पीड़िता को बुलाया गया। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।